हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और इम्पैक्ट हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिक यंग और क्रिस सेबिन और कुछ और रेसलर्स के इम्पैक्ट रेसलिंग में रिटर्न से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में, और उसी के साथ हम बात करेंगे रूसेव के इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ रूमर के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे माइकल एल्गन और कुछ और इम्पैक्ट रेसलिंग स्टार्स के से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिक यंग और क्रिस सेबिन के रिटर्न से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि कुछ ही महीने पहले WWE कंपनी ने 21 रेसलर को रिलीज़ किया था, निकाला था। तो जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो है ये हैं कि 21 रेसलर में से 10 रेसलर को इम्पैक्ट रेसलिंग ने साइन कर लिया है, और उनमें से ये बहुत बड़े नाम हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। EC3, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि EC3 हैं, और उसके बाद गैलो और एंडरसन और एरिक यंग और क्रिस सेबिन, ये नाम हो सकते हैं जो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, इनका रिटर्न भी हमें स्लैमिवर्सरी, PPV या स्लैमिवर्सरी से पहले पहले हमें इन सभी का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगली अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रूसेव के साथ। तो आजकल काफ़ी सारी रूमर फैली हुई है कि क्या रूसेव इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अपना डेब्यू कर सकते हैं। तो गाइस, हाल ही में कुछ ही दिन पहले रूसेव का एक इंटरव्यू हुआ था, और उनमें उसने बताया था, उस इंटरव्यू में रूसेव ने यह कहा था कि अगर इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर उनको 1 मिलियन की व्यूअरशिप मिलती है तो वो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर ज़रूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मना तो नहीं किया था इम्पैक्ट रेसलिंग में आने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि अगर 1 मिलियन की व्यूअरशिप उनको मिलती है तो वो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर आ सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें रूसेव भी इम्पैक्ट रेसलिंग में देखने को मिले, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन जहाँ तक रूसेव का ये इंटरव्यू है, तो फ्यूचर में हो सकता है हमें रूसेव भी इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है माइकल एल्गिन से रिलेटेड। तो गाइस, यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि माइकल एल्गिन हो गए हैं सस्पेंड, और जहाँ तक इनके मैच के बारे में जो बातचीत चल रही थी, इम्पैक्ट स्लैमिवर्सरी में इनका मैच है इम्पैक्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, जो कि टेसा ब्लैंचर्ड अपना टाइटल जिसमें डिफेंड करेंगी माइकल एल्गिन, एस ऑस्टिन, एडी एडवर्ड्स और ट्रे के साथ। तो अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि ये मैच जो है यहाँ पे इस मैच से एल्गिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक तो ये मैच वैसे ही कंफर्म है जैसे पहले था, लेकिन अगर आगे ऐसी कोई अपडेट आती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के अंदर ये मैच अभी भी बना हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।